अब की बार 400 पार। 400 का ये शोर यूपी बिहार हिंदी बेल्ट में सुनाई देता है, क्या ये शोर तेलंगाना तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में भी सुनाई देता है? हिंदी बेल्ट यानी यूपी बिहार गुजरात मध्य प्रदेश 300 पार तो करा सकते हैं, लेकिन जब तक दक्षिण नहीं मिलेगा 400 का उत्तर नहीं मिलेगा। जो लहर उत्तर में दिख रही है क्या वैसी ही लहर दक्षिण में चल रही है? उस लहर का अंदाजा आपको गंगा किनारे से नहीं समंदर किनारे से पता चलेगा। हमारे साउथ इंडिया के ब्यूरो चीफ समंदर किनारे कन्याकुमारी में खड़े हैं और वहां से लहर को नापने की कोशिश कर रहे हैं। 400 का उत्तर और 400 की चाबी वहीं छिपी है, वहां से क्या पता चला इस रिपोर्ट में देखिए। दक्षिण भारत में किसकी आंधी किसका तूफान, कन्याकुमारी में कमल खिलेगा या पंजा चलेगा, क्या जयललिता का वोट मोदी को शिफ्ट हो गया, दक्षिण भारत का चुनाव इस बार कितना बदल रहा है, मतदाता का मूड जानने के लिए इंडिया टीवी देश के आखिरी छोर कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर पहुंचा। कन्याकुमारी भारत के दक्षिणी हिस्से के आखिरी छोर पर बसा एक बेहद ही खूबसूरत शहर है। आप ये सोचते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस कन्याकुमारी क्यों है, इसकी वजह यह है कि राजनीति के साथ साथ वो देश के उन हिस्सों को चुनते हैं जहां पर टूरिज्म का विकास हो सकता है। इस लिहाज से कन्याकुमारी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम का एक अद्भुत स्थल है। यहां पर नरेंद्र मोदी की ऐसी लहर है कि नहीं ये पता करना जरूरी है। साथ ही यहां पर कन्याकुमारी का जो बेहद ही विस्मित कर देने वाला सनराइज आपने अभी देखा, अब सवाल ये है कि क्या 2024 में बीजेपी का कमल कन्याकुमारी में खिलेगा, क्या तमिलनाडु में बीजेपी इस बार अपना खाता खोल पाएगी, क्या कहते हैं कन्याकुमारी के वोटर्स, आइए उनसे जानते हैं। कन्याकुमारी अपने अलौकिक सूर्योदय और सनसेट के लिए मशहूर है। यहाँ का सूर्य दर्शन अप्रतिम है। 6 कैमरों में कैद सनराइज की 6 तस्वीरों को डिकोड करके आप तमिलनाडु की पूरी सियासत को डिकोड कर सकते हैं। यहाँ समंदर और रेत के किनारे भी पल पल अपना रंग बदलते हैं। अब सियासत भी अपना रंग और मिजाज तेजी से बदल रही है। क्या कन्याकुमारी में इस बार प्रधानमंत्री मोदी की लहर है? कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। सर बताइए कि इस बार आपको लगता है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की लहर है? नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर हैज डन मोर थिंग्स। वो बहुत अच्छा बनाया, इधर रेल रोड सब बहुत अच्छा बनाया, वो ब्रिजेस वो सब बनाया। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंसी में क्रिश्चियन और मुस्लिम्स वो माइनॉरिटी वोट ज़्यादा है, हिंदूस का बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसलिए थोड़ा ये कॉन्स्टिट्यूंसी में वो बीजेपी जीतने के लिए थोड़ा मुश्किल है। अन्नामले ने यहीं से ही वो यनमन यनमक्कल यात्रा शुरू किया था, तो यहाँ से आपको क्या लगता है उसका फर्क असर है? यात्रा का बात वो यूथ यूथ होते हैं ना, बहुत बीजेपी का भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ इसलिए वो बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा कर दिया वो अन्नामले, बहुत अच्छा कर दिया, इसलिए वो वोट शेयर बहुत ज्यादा मिल जाएगा। मिलना चाहिए तमिलनाडु में आपको चाहिए, बीजेपी रूलिंग आना चाहिए इधर, अन्नामले चीफ मिनिस्टर बन जाए। 2014 में जीता था, उसके बाद 19 में हार गए, क्यों ऐसा हो गया? अभी आप आदमी लोग का माइंड एक एक टाइम चेंज होता है, कभी कभी भी आदमी एक इसमें नहीं है। इस बार माइंड बीजेपी के लिए माइंड बराबर है पक्का? बहुत यंग स्टेज बा, आदमी को लोन सब दिया है, बहुत कम बिजनेस करने के लिए बहुत हेल्प किया था। अच्छा। याद करेगा, 100% याद करेगा। कन्याकुमारी में ये चाय की दुकान और कोविल पट्टी जो कन्याकुमारी से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है, वहाँ से सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को देखने आए हमारे साथ हैं பிரதமர் பார்க்க வந்திருக்குங்க. ஆ பிரதமர் பார்க்க வந்திருக்கியா? ஆள் அவர் நல்ல ஆள். நான் இது ரெண்டு மூணு இடங்களில் இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்காரு, பார்த்ததில் கூட்டங்களாம் நல்ல இதுக்கு அவருக்கு போதிய அளவு நல்ல கூட்டம் இருக்கு. ஏ கே கி பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஹா பர் பி ஆத்தே வா பர் பஹத் ஜாதா பீட் தேக்னே கோ மில்த்தி ஹே, பஹத் ஜாதா லோக் உனே தேக்னா பசந்த் கர் ரஹே ஹேன். ஏன் அவ்வளோ கூட்டம் சேர்றது? அதாவது வந்து இப்போ கொஞ்சம் பிரியம் மோடி மேலே கொஞ்சம் பிரியம் அவருக்கு தமிழ்நாடுக்காரங்க. ஜோ ஜாச ஜாசே சமய பீத்தா ஜா ரஹா ஹே, மோடி ஜி கே பிரதி ஜோ லோகோ கா ரெஸ்பெக்ட் ஹே, உன்கி சாஹத் ஹே, வோ பி யஹான் பர் படதி ஜா ரஹி ஹே. கன்னியாகுமரி கி தர்த்தி மே ஏக் ஜாதுயி தாகத் ஹே. 1892 மே சுவாமி விவேகானந்த் நே யஹி தியான் லகாயா தா.
उनका 70 फीट ऊंचा विवेकानंद रॉक मेमोरियल यही है। तमिल के सबसे बड़े कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा विवेकानंद रॉक के बिल्कुल बाजू में है। 133 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण साल 2000 में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें दिल से नमन करते हैं। तीन महासागरों की गरजती और उफनती लहरें मानो ये संकेत दे रही हैं कि वो भारत की भूमि को अपने पावन जल से पवित्र करना चाहती हैं। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी आखिरी हिस्सा है। मेरे पीछे आप जो दो स्मारक देख रहे हैं ये भी इतिहास में दर्ज हैं। एक विवेकानंदा रॉक मेमोरियल है। विवेकानंदा रॉक मेमोरियल के बारे में कहा जाए तो 24 दिसंबर 1892 को नरेंद्र दत्ता नाम का एक व्यक्ति यहाँ पर आया था। वो इस तट से उस रॉक तक जाकर मेडिटेशन करना चाहता था। लोगों ने कहा कि उन्हें तैर कर जाना होगा। वो तैर कर गए। 3 दिन तक लगातार उन्होंने मेडिटेशन किया। उसके बाद इसी जगह से घोषणा की कि वो अपने जीवन का बाकी समय जो है वो मानव सेवा में गुजार देंगे और उसके बाद से वो स्वामी विवेकानंद कहलाए। दूसरा तिरुवल्लुवर स्टैचू, जिसकी स्थापना तब के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने साल 2000 में की थी, 135 फीट की। इस स्टैचू के बारे में बात करें तो संत तिरुवल्लुवर तमिल साहित्य के एक बहुत बड़े विद्वान हैं। उनका जो तमिल ग्रंथ है तिरुकुरल, उसकी चर्चा पूरे विश्व में होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहे देश में हों चाहे देश के बाहर अपने भाषणों में संत तिरुवल्लुवर के तिरुकुरल का ज़रूर जिक्र करते हैं। दिल्ली से कन्याकुमारी की दूरी 2842 किलोमीटर है। नरेंद्र मोदी दिनों दिन इस दूरी को लोगों के मन से कम कर रहे हैं। 2014 में बीजेपी ने यहां जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में जात पात और धर्म की दीवार आड़े आ गई। कांग्रेस बाजी मार ले गई। 2021 के उपचुनाव में भी कांग्रेस ने बीजेपी को हराया, लेकिन इस बार कन्याकुमारी के लोग बदलाव के मूड में हैं। वो नरेंद्र मोदी की गारंटी और के अन्नामलाई की मेहनत पर मुहर लगाना चाहते हैं। अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कन्याकुमारी से मेरी मिट्टी मेरे लोग यात्रा शुरू की थी और राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों को कवर किया था। क्या हो रहा है इस बार, मोदी की राहुल गांधी? मोदी जी क्यों क्यों मोदी का काम का इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड दिख रहा है। आप भी मोदी के फैन हैं? मोदी जी फैन हमारा मैन फैन मोदी जी। अन्नामलाई ने कैसे काम किया आपको लगा? अन्नामलाई इस बार डेफिनेटली क्या तमिलनाडु से ज्यादा सीट आता है। अन्नामलाई बहुत काम कर रहा है। तमिलनाडु के लोगों में क्या प्रॉब्लम है, इसलिए सभी जगह से वो रैली करके वो उसको मालूम हो गया। एक और व्यक्ति भी इनसे मुलाकात हुई थी कुछ देर पहले, ये यहाँ पर बहुत सालों से बस गए हैं, हालांकि नॉर्थ इंडिया से यहाँ पर आए लेकिन अपनी दुकान यहाँ पर चलाते हैं। अन्नामलाई ने यन मक्कल यात्रा यहीं से शुरू की थी, उस वक्त कैसी भीड़ थी साहब यहाँ पे? भीड़ बहुत थी और अन्नामलाई आएंगे इधर से कन्फर्म। तमिलनाडु में अन्नामलाई का है जोर? है जोर, बहुत जोर है। कन्याकुमारी में? कन्याकुमारी में भी है, पोल आएगा। बीजेपी जीत रही है? पोल 14 में जीते थे, 2014 में, उसके बाद 19 में भी हार गए, 21 में भी हार गए, वो हुआ था, लेकिन अब की बार जीतेंगे। आप बताओ भाई साहब, क्या लगता है आपको क्या होगा इस बार, मोदी जी की राहुल गांधी? मोदी जी। राहुल गांधी हमेशा विपक्ष में सही है, क्योंकि हमको उनकी कॉमेडी बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि आलू का सोना अभी बड़ा नहीं है, जब तक वो बढ़ाएंगे नहीं तब तक उसको प्रधानमंत्री सीट पे बढ़ा आएंगे नहीं। कन्याकुमारी में 48% हिंदू, 48% ईसाई और करीब 4% मुस्लिम हैं। हिंदुओं में सबसे बड़ी तादाद नाडार समुदाय की है, जो बीजेपी का समर्थक है, जबकि ईसाई और मुस्लिम एकतरफा डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को मतदान करते हैं। कन्याकुमारी में धर्म कांटा कांग्रेस से धीरे धीरे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि जयललिता के वोट बैंक का भरोसा भी अब नरेंद्र मोदी पर बढ़ रहा है। ये थूथुकुड़ी से आई हैं, वहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पर डीएमके की स्टॉलवार्ट नेता हैं कणिमुड़ी, जो डॉक्टर कलेंजर करुणानिधि की बेटी भी हैं, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की बहन भी है, वो वहाँ से लगातार एमपी रहती हैं। तेनकासी का हाल इनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि करीब 150 किलोमीटर दूर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आई, उन्हें देखने आई। इन्ना इरुक्कु इंदवाटी थूथुकुड़ी ना अप्रद தூத்துக்குடி தொகுதியில் வந்து போன முறை ஜெயிச்சாங்க திமுக எம்பி கனிமொழி அவங்க,
आना मक्कल कुड़ते यंदा वाक रुदियो आंग निरेवेतल है। कह रही है कि जब फ्लड के हालात थे तूतुकुड़ी में उस वक्त भी डीएम के या फिर वहां के सांसद जो हैं कनीमोड़ी उनकी तरफ से किसी भी तरह का काम किया नहीं किया गया था। हाँ जी हमें क्यों इधर वंदे नेहरत लांग वंदे उरुदिया तेरी बच्चे करो। ये कह रही है कि जब जयललिता थी तब उनके चेहरे पर वोट पड़ते थे क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए तमिलनाडु में बहुत काम किए थे, लेकिन उनके जाने के बाद जो अब नेतृत्व है उनको ऐसा लगता है कि जो चुनाव चिन्ह है दो पत्ती का निशान उसको लेकर वोट लोग डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। इनका यह कहना है कि तूतुकुड़ी में और चाहे अगर हम पूरे तमिलनाडु की बात कर लें तो AIDMK को एक तरह से बीजेपी ने रिप्लेस कर दिया है एक प्रमुख विपक्षी पार्टी की तरह राज्य में, और पहली पार्टी की तरह लोकसभा के चुनाव में बीजेपी उभर कर आएगी, ऐसा इन महिला का कहना। कन्याकुमारी लोकसभा सीट 6 विधानसभा क्षेत्रों कन्याकुमारी, नागरकोइल, कोलाचल, पद्मनाभपुरम, बिलावनकोट और किलियूर को मिलाकर बनी है। इनमें कांग्रेस 2, बीजेपी 2, AIADMK 1 और DMK 1 सीट पर काबिज है। तमाम सर्वे साफ संकेत दे रहे हैं कन्याकुमारी में अब की बार कमल खिलेगा। यहां बीजेपी को 40%, कांग्रेस को 36%, AIADMK को 20% और अन्य को 4% वोट मिल सकते हैं। कन्याकुमारी के बाजारों में, गलियों में, समंदर किनारे, हर जगह मोदी मैजिक क्लियर दिख रहा है। आप बोल रहे हैं कि कन्याकुमारी में नहीं जीत सकते, क्यों नहीं जीत सकते हैं? इधर तो बाकी लोग बोल रहे हैं कि जीत भी सकते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। काम तो कर रहा है लेकिन उसको पैसा तो बहुत खर्चा करता है वो तो। कौन? कांग्रेस वाला? कांग्रेस वाला वो उसको पैसा दे देता है, एक एक पार्टी को अलग 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 तो वो कवर दे देता है, पैसा दे देता है, उसका वजह से वो मुस्लिम वोट, क्रिश्चियन वोट कंप्लीट 90% उनको जाता है। मोदी जी आपके यहाँ पे आए हुए हैं, धंधा तो अच्छा ही होगा आपका? बहुत अच्छी हो गया, मोदी जी आने से भी बहुत मुश्किल। चुनाव में क्या हो रहा है? चुनाव में आने से भी 1 साल बहुत मुश्किल है, 2 साल बहुत मुश्किल है, फिर चुनाव के बाद बहुत डेवलप है कन्याकुमारी, बहुत डेवलप है। अब क्या होगा इस बार? वसंत विजय कुमार जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे? वसंत MP से बहुत जीत रहे, जीत रहे, उनको मिलता है वोट इधर। वसंत कन्याकुमारी से MP से वसंत कुमार आएगा, फिर कन्याकुमारी का बहुत दूसरा आदमी बहुत मुश्किल है। यस सर। कौन? राधाकृष्णन मुश्किल है? 80% मुश्किल। तेनकासी यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए कुछ लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं। आपको लगता है मोदी लहर है, मोदी का वेव है इधर? मोदी अलेलाम कड़िया दे, मोदी सुनामी अन्नामले मूल अनुच्च वचर कह रहे हैं कि मोदी की यहाँ सुनामी है और उसकी वजह अन्नामले है। ये अन्नामले तोड़ கடந்த 60-70 வருஷமாக தமிழ்நாடு ஆண்ட கழகங்கள் வந்து ADMK இல்லை DMK, இதை தவிர மாற்று வழி கிடையாது. மீண்டும் ஒரு சின்ன மோடி, எங்கள் தமிழ்நாட்டுடைய சின்ன மோடி. கேக்கிறேன் கி பிச்சில 70 சாலும் சே யஹா பர் DMK ஓர் AIDMK கா சாசன் தா. उस वक्त लोग परेशान हैं लेकिन कोई ऑप्शन उनके पास नहीं था, लेकिन अब एक अन्नामले के रूप में यहाँ पर कहते हैं कि इनका ये दावा है कि एक मोदी के वो अब कह सकते हैं जूनियर हैं जो यहाँ पर आए हैं और वो जो लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। उंगल के नंगा तोनर दिंदवाटी एपड़ी इरको तमिलनाडु மாற்றத்துக்கு தான் இப்போ இருக்கு, 60 வருஷமா வந்து இவங்க வந்து ये कहना है। मोदी जी के आने के बाद ही पता चला है कि तमिलनाडु क्या है, वो इंडिया को मोदी जी ने दिखाया है, इसीलिए ये 60 साल का जो यहाँ पर द्रविड़ पार्टियों का राजकाज है वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। मोदी फैक्टर कन्याकुमारी के अलावा कई और सीटों पर चुनाव बदल सकता है और बीजेपी की जीत पक्की कर सकता है। इनमें रामनाथपुरम सीट पर बीजेपी 44%, IUML 41%, AIADMK 13% वोट पा सकते हैं। कोयंबटूर सीट पर बीजेपी 37%, CPIM 32%, AIADMK 28% वोट पा सकते हैं। तमिलनाडु का यंग वोटर अब बीजेपी की विकासवादी राजनीति को परखना चाहता है, वो बदलाव के मूड में है। प्राइम मिनिस्टर की रैली में कुछ ऐसे युवा भी आए जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, इस बार पहली बार वो वोट डालने के लिए जाएंगे। आई लाइक इट, और எங்களோட ஒரு ஃபேமிலி மெம்பரா தான் நாங்க பார்க்கறோம், நாட்டுக்காக உழைக்கிறாரு, எங்களுக்காக கஷ்டப்படுறாரு, நல்லது பண்றாரு, அதனால என்னோட ஓட்டு BJP, பாரத் மாதா கி।
ये पहले फर्स्ट टाइम वोटर है, ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं वो इनको इंस्पायर करता है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री हम सबको एक परिवार की तरह देखते हैं, इस वजह से वो यहाँ पर आए। उन्होंने उनका भाषण भी सुना और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का जो करिश्मा है वो साउथ इंडिया में भी आए। इप எந்த ஆர்வம் ஓட நீங்க இங்க வந்தங்க, என்ன கேட்கணும்னு விரும்புறங்க? நீங்க கேக் நீங்க யோசிக்கிறது பிரதமர் வந்துட்டு சொல்றாரா பேசுறாரா? யூத்தா கேட்குறேன்னா கண்டிப்பா எங்களோட ஒருத்தராக தான் அவங்க இருக்காங்க. அவங்க வந்து 23 வருஷமா அந்த மூணு தடவை குஜராத்தில் முதலமைச்சராக இருந்திருக்காங்க, 2 தடவை பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்திருக்காங்க. ஏக் தின் பி பினா சுட்டி லியே சாய் வோ சீஃப் மினிஸ்டர் ரே ஹோ சாய் வோ பிரைம் மினிஸ்டர் ரே ஹோ பினா சுட்டி லியே காம் கரத்தே, யே பாத் இன்கோ இன்ஸ்பயர் கரத்தே. நீ வோட் போட்டிருக்கியா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் வோட்டர். ये भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो यहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री जी की बात सुनने के लिए। என்ன புரிஞ்சுது உனக்கு? நீ பிஜேபி இந்த வாட்டி இங்கே கன்னியாகுமரியில் பிஜேபி ஜெயிக்குமா சொல்லு பார்க்கலாம். ஜெயிக்கும். எப்படி எப்படி வச்சு என்ன வச்சு சொல்கிற? கண்டிப்பாக ஜெயிக்கும். ये कह रहे हैं कि यूथ जो हैं वो वोट डालेंगे इस बार बीजेपी के लिए, और इनका ये कहना फर्स्ट टाइम वोटर है कह रहे हैं कि, इसलिए देखिए तालियां भी बज रही है,